हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मनोज दे ने जो माइक रेकमेंड किया था यूट्यूब वीडियोस के लिए, उस माइक का रिव्यू। एक्चुअली मैंने उस माइक को अमेज़न से परचेज किया है एंड वो उनका जो रिकमेंडेशन है, क्या आपको वो फॉलो करना है। मैंने उनके रिकमेंडेशन पर वो माइक ख़रीदा है, तो उस माइक को ख़रीदने पर मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ है एंड वो माइक आप मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, DSLR में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, उस माइक का जो आउटपुट है वो कैसा है, या फिर एडिटिंग आप नॉर्मल जो फ़ोन है उससे एडिट कर सकते हैं कि नहीं, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, आप लोगों के हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनोज दे के चैनल को मैं बहुत पहले से फॉलो करती हूँ और उनके वीडियोस से मुझे काफ़ी हेल्प हुई है। यूट्यूब रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होते हैं मैं उनके वीडियोस को देखती हूँ एंड सब मेरा क्लियर हो जाता है। कुछ दिनों पहले मेरे वीडियोस के नीचे आप लोगों के बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे थे कि एक्सटर्नल नॉइज़ बहुत ज़्यादा है और मैं एक माइक इस्तेमाल करूँ, इसी वजह से मैंने मनोज दे के चैनल को फॉलो किया, उनके चैनल के वीडियोज़ को चेक किया कि उन्होंने कौन सा माइक रिकमेंड किया है या फिर पर्सनली वो कौन सा माइक इस्तेमाल करते हैं। मैंने उनके दो वीडियोस में देखा उन्होंने इस वाले माइक को रेकमेंड किया है यूट्यूब वीडियोस के लिए, इसी वजह से मैंने अमेज़न से उनके रिकमेंडेशन पर ये माइक परचेस किया एंड इसे मैं पिछले 1-1.5 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड मैं अपना जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है वो आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। ये जो माइक है ये है बोया BYM1 माइक और बोया के माइक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैंने सुना भी है कि बहुत बड़े यूट्यूबर्स उन्हें इस्तेमाल करते हैं एंड मनोज दे ने भी खुद कहा कि वो पर्सनली इस माइक को इस्तेमाल करते थे या करते हैं ऐसा कुछ। ये फर्स्ट मेरा माइक है जो मैं यूट्यूब वीडियोज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, बट आप सबको पता है कि मैं एक न्यूज़ रीडर हूँ और जब मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ ना तब जो हम लोग माइक इस्तेमाल करते हैं वो बहुत महंगा होता है। दैट्स अ प्रोफेशनल माइक। जो आप यहाँ पर बात करेंगे ना, टू हैंड डिस्टेंस पर भी अगर आप बात करेंगे तो उसका नॉइज़ भी वो कैच नहीं करता, क्योंकि हमारा जो न्यूज़ रूम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर रहता है हमेशा किसी दूसरे न्यूज़ का वो कुछ भी वो कैच नहीं करता इतना ज़्यादा, और महंगा भी बहुत ज़्यादा है, वो लाखों में आता है। मुझे उतना महंगा माइक नहीं चाहिए था, डिसेंट एक माइक चाहिए था जिससे मेरा जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। एंड मनोज दे के वीडियोज़ में भी मैंने देखा है वो काफ़ी बार यही बोलते हैं कि आपके वीडियो का जो क्वालिटी है वो ख़राब होता है फिर भी चल जाता है अगर कंटेंट अच्छा हो तो और ऑडियो क्लियर हो तो, इसीलिए हमेशा ऑडियो को क्लियर रखना ज़रूरी है। और इसी वजह से मैंने इस माइक को ट्राई किया एंड ये जो बोया BYM1 माइक है ये मुझे अमेज़न पर इस प्राइस में मैंने इसे परचेस किया है, बट आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में दिवाली के वक्त या फिर जब इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा सेल होता है, एंड ऑफ सीजन सेल रहता है, अमेज़न में जो ग्रेट इंडियन सेल रहता है, इन सब सेल के टाइम आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी ये वाला माइक। और इसके और भी हायर वर्शंस भी है जो आप ट्राई कर सकते हैं, बट उनके रिकमेंडेशन पर ही मैंने ये वाला ट्राई किया है। अब बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में। ये जो माइक है ना, इसे आप अपने DSLR कैमरा पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी एक यूज़फुल है, क्योंकि कई लोग मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं और कई लोग DSLR से। मैं क्या करती हूँ, कभी कभार मोबाइल से भी शूट करती हूँ और कभी कभार DSLR से भी, और इस माइक के साथ ना मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करके वॉइस ओवर्स भी डालती हूँ, तो इसी वजह से ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मोबाइल में भी मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैं इस वीडियो को DSLR से शूट कर रही हूं अभी, तो इसी वजह से मैं DSLR में भी इसे फिट कर सकती हूं, कनेक्ट कर सकती हूं। आप लोगों के ना रिक्वेस्ट ये भी आ रहे थे कि मैं कौन सा वाला DSLR कैमरा इस्तेमाल करती हूं अपने वीडियोस को शूट करने के लिए, उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगी मैं कौन सा DSLR इस्तेमाल करती हूं एंड आप सबको वो खरीदना चाहिए कि नहीं, मेरे साथ उसका एक्सपीरियंस क्या है वो मैं बहुत जल्द एक वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर हिट कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज वीडियोस अपलोड करती हूं और अभी तो मेरा क्रिसमस स्पेशल जो मंथ है ना उसमें तो मैं हर रोज ही वीडियो अपलोड कर रही हूं। सो क्या पता मैं बहुत जल्द उस वीडियो को अपलोड करूं,
सो कमिंग बैक टू द वीडियो, इस माइक के साथ ना मुझे कुछ चीज़ें रिसीव हुई थी। ये जो माइक आया था जब ना, उसके साथ मुझे ये वाला लेदर पाउच मिला था। ये एक्चुअली प्योर लेदर नहीं है, लेदर जैसा इसका फिनिशिंग है, बट इट्स नॉट अ प्योर लेदर, ये कुछ आर्टिफिशियल लेदर या कुछ दूसरा मटीरियल है। उसके साथ मुझे ये माइक रिसीव हुआ जिसका वायर बहुत लंबा है, 2 मीटर डिस्टेंस का है इसका जो वायर है वो, विच इज़ गुड। आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी फिल्म कर सकते हैं अगर आपका जो जूम लेंस है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप वीडियो शूट करने के लिए, तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस पे भी ये इस वायर से काम चल जाएगा। उसके साथ आपको मिलेगा ये वाला जहां पर आपका बैटरी रहता है। इसके साथ बैटरी अटैच नहीं था जब ये आया था, मुझे बैटरी को अटैच करना पड़ा, लेकिन इसके साथ बैटरी भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो लोग बैटरी नहीं देते, एक बैटरी तो वो लोग दे देते हैं। ये बैटरी मैं इसे 1.5 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ, लगभग मैं वीक में 4-5 दिन तो शूट कर ही लेती हूँ वीडियोस, तो इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। ये पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा, लेकिन अभी तक तो ये फ़िलहाल काम कर रहा है। मैं DSLR से शूट कर रही हूँ, उसमें भी ये कनेक्टेड हो जाता है इजीली, कुछ भी सेटिंग्स वगैरह कुछ नहीं करना है आपको। अब इसको ओपन कैसे करना है वो आप लोग देख लीजिए, इसे जस्ट आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है एंड इट ओपन्स लाइक दिस, और उसके बाद यहाँ पर आपको बैटरी को इंसर्ट करना है एंड देन इसे इस तरह से क्लोज कर देना है। सेम ट्विस्टिंग फॉर्मूला है इसकी। यहाँ पर आपको 2 सेटिंग्स मिलेगा, एक है कैमरा ऑप्शन, दूसरा है स्मार्टफोन ऑप्शन। जब आप अपने फ़ोन से इसे कनेक्ट कर रहे हैं तब आपको ये वाला बटन को नीचे दबाना है ताकि ये स्मार्टफोन पर कनेक्ट हो जाए। अगर कैमरा से, जैसे मैं अभी कैमरा से शूट कर रही हूं, तो आप लोग देख सकते हैं ना कि ये वाला ऊपर है, मतलब कि ये अभी कैमरा से कनेक्टेड है। तो ये सेटिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। जब भी मैं वॉइस ओवर के लिए अपने फोन से कनेक्ट करती हूं ना, तब मैं ये वाला बटन नीचे दबा देती हूं। अगर ये आप दबाना भूल जाते हैं तो वो आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट नहीं होगा, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसका जो आउटपुट है उसके बारे में। इसका मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो है कि आप लोगों को पता है कि आई एम अ प्रोफेशनल न्यूज़ रीडर, तो मैं बहुत महंगे महंगे माइक्स वगैरह इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें ना एक्सटर्नल नॉइस बिल्कुल भी नहीं पकड़ता। हम लोग रास्ते में, ट्रैफिक सिग्नल्स में, मेले में शूट करते हैं, एक्सटर्नल नॉइस बिल्कुल भी नहीं पकड़ता, बट इसमें एक्सटर्नल नॉइस आता है। मैं ये वाला क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अभी, जहाँ पर मैंने ना इसे शूट किया है अपने घर में ही, लेकिन मेरा जो विंडो था वो ओपन था, तो विंडो जब खुला रहता है ना तब थोड़ा सा आसपास का जो नॉइज़ है वो थोड़ा बहुत आ जाता है, तो वो नॉइज़ आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं कि इसने कैच किया है थोड़ा बहुत एक्सटर्नल नॉइज़, जैसे हॉर्न की आवाज़ या फिर कोई तेज़ जो ज़ोर से बात कर रहा है वो आवाज़। ट्यूब स्टार्टिंग से लेकर मेरा जो पेमेंट रिसीव करने का, तो मेरा जो पहला पेमेंट है वो मुझे कितना मिला है, मेरे इस मोनिटाइजेशन प्रोसेस में या पेमेंट रिसीव करने में मुझे कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कितने दिन लगे मोनिटाइज होने में। कुछ महीनों पहले मैं बहुत ज़्यादा हेयर फॉल इश्यूज़ फेस कर रही थी, फिर मैंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। सो मैं तो अपने हेयर से काफ़ी सारे हेयर स्टाइल्स आजकल ट्राई करती हूँ एंड आई एम लविंग माय हेयर कंडीशन राइट नाउ, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो गए हैं। सो लेकिन अगर आप खिड़की वगैरह बंद करके एकदम बंद कमरे में शूट कर रहे हैं तो इको भी नहीं होता और क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी आती है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। जैसे अभी मेरा जो विंडो है वो क्लोज्ड है और दरवाज़ा भी क्लोज्ड है, कोई एक्सटर्नल एज सच नॉइज़ नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना एकदम क्रिस्प एंड क्लियर साउंड क्वालिटी है। जब मैं इस माइक को डिसकनेक्ट करूंगी तब सिर्फ कैमरा का जो साउंड रहेगा वो कैसे रहेगा वो अभी आप देखिए। अभी मैंने माइक को डिसकनेक्ट कर दिया है एंड अभी का जो साउंड क्वालिटी है वो आप लोगों के सामने ही है, थोड़ा सा इको होता है एंड अभी मेरा जो खिड़की एंड दरवाजा है सब कुछ बंद है, इसीलिए उतना ज्यादा एक्सटर्नल नॉइज नहीं आ रहा। बट अगर साइड में कहीं पर किसी के घर में गाना बज रहा है या फिर रास्ते से कोई बाइक जा रहा है, उसका जो साउंड है ये बहुत कैच करता है। बट दिन में जब मैं खिड़की खोलकर शूट करती हूँ ना, तब तो और भी ज्यादा ये एक्सटर्नल नॉइस को कैच करता है, विच इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ कैमरा विदाउट माइक, जो कि इस माइक को इस्तेमाल करके ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी जो मैं करूंगी, इस माइक को मैं रिकनेक्ट करूंगी कैमरा के साथ एंड जो क्वालिटी चेंज है ना, वॉइस क्वालिटी जो चेंज रहेगा वो अभी आप देखिए।
अभी मैंने फिर से माइक को कनेक्ट कर लिया है, सो जो डिफरेंस है साउंड क्वालिटी का वो आप लोगों के सामने ही है। और मैं DSLR से शूट कर रही हूँ और मैं DSLR में ही इसका जो डेमो है वो मैं शो कर रही हूँ, क्योंकि मोबाइल कैमरा में इनबिल्ट माइक रहता है तो मोबाइल में ना इतना ज़्यादा इको की प्रॉब्लम नहीं होता जो आपने कैमरा में देखा। कैमरा में थोड़ा सा इको होता है जो मोबाइल में नहीं होता है बिकॉज ऑफ इनबिल्ट माइक इन इट। तो मोबाइल में अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो एक्सटर्नल नॉइज भी कम हो जाएगा और काफ़ी क्रिस्प क्वालिटी होता है साउंड का। तो मैंने आपको खिड़की खोल कर जो नेचुरल लाइटिंग है उसमें मैं शूट करती हूँ इसीलिए वो भी दिखा दिया ताकि इट हेल्प्स यू एज वेल, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं जानती हूँ जो नेचुरल लाइट में खिड़की खोल कर शूट करना पसंद करते हैं तो उनके लिए थोड़ा नॉइज आ सकता है एक्सटर्नल नॉइज, बट वो बेरेबल है, इतना भी कुछ बुरा नहीं है। सो मेरा जो फाइनल कंक्लूजन है अबाउट दिस माइक इज दैट आप डेफिनेटली इस माइक को परचेज कर सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो। इसमें इन्वेस्ट करना वुड बी अ स्मार्ट डिसीजन, ए इस ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। दूसरा पॉइंट, ये आप अपने फ़ोन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, DSLR में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि आप इसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। एंड इसका जो मेंटेनेंस है वो भी उतना हाई नहीं है क्योंकि इसका बैटरी, आपने एक बैटरी लगा दिया बहुत दिनों तक चल जाएगा, सो मेंटेनेंस भी काफ़ी लो है। सो आई वुड से कि मनोज दे का ये जो रिकमेंडेशन है वो मैंने लेकर काफ़ी अच्छा किया क्योंकि उनका जो रिकमेंडेशन है हमेशा मेरे लिए वर्क किया है और ये माइक भी मेरे लिए वर्क कर रहा है। बट मैं एक प्लान कर रही हूँ लाइटिंग वगैरह सेटअप करने के लिए ताकि मुझे खिड़की खोलकर शूट ना करना हो और मेरा जो साउंड क्वालिटी है वो और भी बेटर हो जाए इसी वजह से। सो इसका जो परचेजिंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, बहुत लोगों को जानना था मैंने कौन सा नया माइक इस्तेमाल कर रही हूँ अपने वीडियोज़ के लिए तो मैंने इस वीडियो को शेयर किया। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।